धमकी। अंडरवर्ल्ड का वो पैंतरा जिसका इस्तेमाल करके मौत का डर फैलाया जाता है और फिर इस मौत के डर से मांगी जाती है एक्सटॉर्शन मनी या प्रोटेक्शन मनी। इतिहास गवाह है कि कई बार ये धमकियां बॉलीवुड डायरेक्टर्स को किसी हीरो या हीरोइन को अपनी फिल्म से निकालने के लिए दी गई तो कभी उसके उलट किसी को फिल्म में शामिल करने के लिए दी गई। पर धमकी एक ऐसा अंडरवर्ल्ड का फेवरेट टूल जिससे करोड़ों का बिजनेस चलता है। आज सुनाएंगे आपको कहानी अंडरवर्ल्ड की धमकियों की। जनवरी 2001, मशहूर अभिनेता ऋतिक रोशन के पिता और जाने माने डायरेक्टर राकेश रोशन मुंबई के सेंटा क्रूज में बने अपने ऑफिस से बाहर निकले। राकेश रोशन ने घर जाने के लिए ड्राइवर से कार मंगवाई। राकेश रोशन अभी कार में बैठे ही थे कि उन पर हमला हो गया। हमलावर ने राकेश रोशन पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाई। अचानक हुए इस हमले में राकेश रोशन को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वो बुरी तरह घायल हो गए। राकेश रोशन के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी वहां से भगा दी और वह खून से लथपथ राकेश रोशन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। इस हमले में राकेश रोशन के कंधे पर 2 गोलियां लगी थी। समय से हॉस्पिटल पहुंच जाने के कारण राकेश रोशन की जान बच गई। कहा जाता है कि ये गोलियां राकेश रोशन पर उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि उन्हें डराने के लिए चलाई गई थी। दरअसल राकेश पर ये गोलियां अंडरवर्ल्ड के लोगों ने चलवाई थी। वे राकेश की इस घटना से 1 साल पहले यानी सन 2000 में आई सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म कहो ना प्यार है की कमाई के लिए हिस्सा चाहते थे। कहो ना प्यार है लगभग 10 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी। राकेश रोशन ने इसी फिल्म से अपने बेटे यानी आज के सुपरस्टार ऋतिक रोशन को लॉन्च किया था। ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल की जोड़ी इस फिल्म में खूब सुपरहिट हुई थी। कहो ना प्यार है उस समय 9 कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड भी जीती थी। ऐसे में उसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो गया था। इस फिल्म ने साल 2000 में रिलीज हुई शाहरुख की मोहब्बतें और सलमान की हर दिल जो प्यार करेगा की कमाई को भी पीछे छोड़ दिया था। इस फिल्म ने अपनी लागत जो कि 10 करोड़ थी उससे 8 गुना अधिक कमाई की, यानी फिल्म ने लगभग 80 करोड़ रुपए कमाए थे। ऐसे में अंडरवर्ल्ड ने राकेश रोशन को धमकी दी थी कि वे इस कमाई का कुछ हिस्सा उन्हें दे दें वरना उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। राकेश इन धमकियों से नहीं डरे और उन्होंने अंडरवर्ल्ड को पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे ही उन्होंने अपनी सिक्योरिटी हटाई तो उन पर हमला हो गया। राकेश रोशन बॉलीवुड में इकलौते इंसान नहीं है जिन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली हो। बॉलीवुड के कई जाने माने सितारों को थ्रेट मिलती रही है। बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का साया हमेशा रहा है। कोई ना कोई एक्टर एक्ट्रेस या फिर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हमेशा बॉलीवुड के गुरुओं की धमकियों का सामना करता है। एक वक्त पर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भी अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिली थी। दरअसल 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती का करियर पीक पर था। उनकी झोली में कई बड़े प्रोजेक्ट्स थे और उन्होंने कई हिट फिल्में भी दी थी। मिथुन चक्रवर्ती की एक्ट्रेस मंदाकिनी के साथ ऑन स्क्रीन जोड़ी काफी जम रही थी और लोग इस जोड़ी को खूब पसंद कर रहे थे। ऐसे में लोग मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी को ज्यादा से ज्यादा फिल्मों में देखना चाहते थे। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम भी किया। ऐसे में बॉलीवुड गलियारों में दोनों की अफेयर की खबर उड़ने लगी।
न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त मंदाकिनी दाऊद इब्राहिम के साथ रिलेशनशिप में थी। ऐसे में दाऊद इब्राहिम को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को मंदाकिनी से दूर रहने की धमकियां दी। दाऊद नहीं चाहता था कि दोनों एक साथ काम करें। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। ऐसे में मिथुन को एहसास हुआ कि डॉन के आदमी उन पर नजर बनाए हुए हैं और उन्हें आए दिन धमकी भरे फोन कॉल्स आने लगे। इन सब से परेशान होकर मिथुन चक्रवर्ती ने अपने दोस्त संजय दत्त से मदद मांगी। उन दिनों संजय दत्त के अंडरवर्ल्ड से अच्छे संबंध थे। संजय दत्त ने अंडरवर्ल्ड में अपने कुछ जानकार लोगों से मिथुन के बारे में बातचीत की और मामले को रफा दफा किया। बॉलीवुड में सबके चहेते किंग खान यानी शाहरुख खान को भी एक वक्त पर अंडरवर्ल्ड की धमकियों का सामना करना पड़ा था। शाहरुख खान का गैंगस्टर्स की दुनिया से पहली बार वास्ता महेश भट्ट की फिल्म डुप्लीकेट के दौरान पड़ा। महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी राकेश मारिया ने महेश भट्ट को कॉल करके बताया था कि गैंगस्टर अबू सलेम ने शाहरुख खान की हत्या की जिम्मेदारी एक शार्प शूटर को दे दी है। अबू सलेम नाराज था कि उनके करीबी प्रोड्यूसर की फिल्म शाहरुख खान ने साइन नहीं की। इतने बड़े गैंगस्टर से धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी और घर के बाहर हर जगह फोर्स की तैनाती कर दी। यहाँ तक कि शाहरुख खान को अपने घर से निकलने तक का रूट हर दिन चेंज करने को कहा गया था। बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन को प्यार देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनसे अमिताभ बच्चन को जान का खतरा होने लगा था। साल 2010 में एक अज्ञात ब्लॉगर ने अमिताभ और उनके परिवार को खत्म करने की धमकी दी थी। पहले तो बिग बी ने इसे अनदेखा कर दिया। इसके बाद जब फोन पर उन्हें धमकी भरे मैसेज आने लगे तो उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद अमिताभ बच्चन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आदित्य पंचोली को भी 2017 में जान से मारने की धमकी मिली थी। न्यूज नेशन के मुताबिक आदित्य पंचोली को मुन्ना पुजारी नाम के व्यक्ति से धमकी भरे कॉल और मैसेज आ रहे थे और फोन करने वाला उनसे 25 लाख रुपए मांग रहा था। पुलिस जांच में ये सामने आया था कि ये कॉल मुंबई के ठाणे और उत्तर प्रदेश के 3 अलग अलग नंबरों से की गई थी। इस साल मार्च में फिल्म मेकर महेश भट्ट को भी धमकी भरे फोन का सामना करना पड़ा। महेश भट्ट को उनकी बेटी आलिया भट्ट और पत्नी सोनी राजदान तीनों को जान से मारने की धमकी दी गई थी। हालांकि बाद में पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उस आरोपी का नाम संदीप साहू था। उसने महेश भट्ट को फोन करके 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। इन सब लोगों के अलावा बॉलीवुड के जाने माने गायक सोनू निगम को भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। कुछ साल पहले सोनू निगम को अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील ने जान से मारने की धमकी दी थी। सोनू निगम उन दिनों वर्ल्ड टूर कर रहे थे और अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील चाहता था कि वो अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चेंज करके उनके पहचान वाली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दे। हालांकि इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता बहुत पुराना है। कई बार अंडरवर्ल्ड डॉन धमकियों से काम चलाते हैं, लेकिन कई बार वो गोली चलाने से भी नहीं चूकते। ये थी अंडरवर्ल्ड की धमकियों की कहानी। और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को सब्सक्राइब करें। You're blinded by the light.